जब तक मुल्क में जहालत नहीं खत्म होगी ना, तब तक उस वक्त मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। हुक्मरान देखे, मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी अभी तक आए हैं ये सारे लोटे हैं, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। इमरान खान ने जितनी बातें की थी उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मुझे ऐसे लगता है गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज पे काम करना पड़ेगा। शादी नहीं हो रही मेरी, घर वालों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी शादी कर दे, बहुत देर हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मेहरान हसन। नाज़रीन, आज हम लाहौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और यहां पे आज हम लोगों से जानेंगे, तुलबा से जानेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला उनके नज़दीक क्या है। तो आइए जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर खान। बरदाम शरफ। अदील। मोहम्मद मुदस्सर। श्याम सुभानी। मुजाहिद इकबाल। मेरा नाम शबीर अहमद। ज़मरकुल हक। अच्छा ज़मरकुल हक, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू आपके नज़दीक क्या है? यार मेरे नज़दीक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिलहाल जो मसला है ना, वो करप्शन है, महंगाई। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही वो ही है। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो ऐसा पेट्रोल है। स्टूडेंट्स ने आना जाना होता यूनिवर्सिटीज में अपनी बाइक्स पे, इस तरह कामों पर जाना होता स्टूडेंट्स ने आजकल, और पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है कि अब क्या करे बच्चा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आई थिंक मोबाइल फोन, जो मैं समझता हूँ। आपके पास मोबाइल फोन नहीं है क्या? मोबाइल फोन है मेरे पास। कौन सा मोबाइल फोन? दिखाइए। मेरे पास वीवो का है ये। दिखाइए। अच्छा, ये आपके पास मोबाइल फोन है वीवो का, आपने बड़ा इस पे कवर और शवर चढ़ाया हुआ है, तो ये मसला आपने अपनी पॉकेट में क्यों रखा है? यार ये मजबूरी भी बन चुका है आजकल, तो फिर मसला मजबूरी मसला तो नहीं है ना, मोबाइल के बगैर जिंदगी अधूरी। आप किसी के पास जाना हो कॉल कर सकते हैं, लेकिन करप्शन, महंगाई, पेट्रोल, ये आपके नजदीक कोई बड़ा मसला नहीं है? यार वो चीज़ें ऐसी हैं कि वो चलती रहती हैं, अब क्योंकि अगर करप्शन की बात करें वो शुरू से चल रही है, महंगाई हर दौर में, जब एक साल गुजरता है उसके बाद महंगाई बढ़ जाती तो ये है। कौन कौन सही कौन करेगा अब ये? तो नहीं ना कहते कि खराब है तो ठीक है, खराब ही रहे, सही भी तो करना है ना इसे। यार जवाब यार सही, अब वक्त के साथ साथ महंगाई तो होनी है। अब 10 साल अगर हम पीछे चले जाएं, अब जो चीनी आप 130-130 रुपए की मिल रही है, वो 50-60 की मिलती थी, तो टाइम के साथ वो चीज़ें तो महंगाई तो बढ़नी है। लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, अगर लोगों की तनख्वाहें भी उस तरह बढ़ती जाएं तो फिर तो महंगाई नहीं फील होती, तो लोग फिर महंगाई का क्यों रोना रोते हैं? अब ये लोगों से पूछे ना। हम जो कि इसलिए नहीं कह सकते कि हम अभी कमा नहीं रहे, जब कमाएंगे तो पता चलेगा, फिर पता चलेगा यार महंगाई क्या होती है। उसका हल फिर हम क्या देखते हैं, हल क्या कर सकते हैं? महंगाई का हल तो महंगाई ये गवर्नमेंट ही सोच सकती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। नहीं तो ये मोबाइल फोन के मसले का भी हल किस तरह निकाल सकते हैं? मोबाइल फोन का मसला यार नहीं हल होगा कभी भी, hey! तो ये भी चलता रहेगा, तो वो भी चलती रहेगी। का मतलब फिर आपकी जिंदगी सारी उम्र मसलों में गुजर जाएगी? यार जिंदगी है ही मसलों में, मसलों के मसले ना हो तो फिर जिंदगी नहीं है। आकर कोई शर्म, मेरे ख्याल से तो जो पाकिस्तान में चुदराहट सिस्टम है ना, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तान का वो यही है, चौधराहट सिस्टम ही है। तो चट दा सिर्फ ना सुने आधा खाक नहीं देखा, वो आपकी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हो के आपके पॉलिटिशियंस तक, सियासत जो है वहां तक ये जाता है सिस्टम। अच्छा, तो ये कैसे खत्म होगा? ये मेरा नहीं ख्याल कि ये खत्म हो सकता है, क्योंकि हम घर को ही ले लेते हैं और घर से ये शुरू होता है, और यहाँ यूनिवर्सिटी में भी आपको पता है चौधराहट सिस्टम की वजह से कुछ यूनियंस वगैरह भी बनी हुई हैं, जिनका मेन बेसिकली जो काम था वो उस चीज़ को भूल के ना, और बस चौधराहट सिस्टम में चली गई हुई है कि यूनिवर्सिटी के चौधरी हम हैं। तो करप्शन की वजह से हमारा जो मुल्क जो है ना तरक्की नहीं कर पा रहा, हमारे जो मुल्क है फिलहाल करप्शन का, जो हमारा सारा हुकूमती निज़ाम है वो करप्शन के अंदर आया हुआ है। अच्छा, तो इसका फिर हल किस तरह मुमकिन है? हल ये हो सकता है कि आप जो है साफ शफाफ इंतजाम, मतलब मेरिट पर आप लोगों को हायर करें, मतलब मेरिट हो हर जगह पर। आपने किसको वोट दिया था? यार बेसिकली मेरा उस वक्त वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया था, अनफॉर्चुनेटली मैं 18 प्लस तो था लेकिन मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया। तो आपको क्या लगता है इमरान खान सही काम कर रहा है करप्शन के खिलाफ? यार इमरान खान बेसिकली जो है ना खुद बेसिकली वो, मैं मेरा ये मानना है कि इमरान खान जो है ना वो खुद एक बाहर तौर पर एक अच्छा बंदा है, उसकी नीयत साफ है, लेकिन उसके जो है ना साथ वाले बंदे मेरा नहीं ख्याल के वो। फिर आने वाले वक्त में आप किसको वोट दे रहे हैं? आने वाले वक्त में जो मुझे उस वक्त मुझे जो लगता होगा पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है इनके हाथों में, तो मैं उन्हीं को इंशाल्लाह वोट दूंगा। मुझे ऐसे लगता है गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज पे काम करना पड़ेगा। पीएमएलएन की हुकूमत ठीक थी या पीटीआई की हुकूमत? पीएमएलएन, एटलीस्ट अवाम उसमें खुश थी। ठीक है, अब आप मंथली ग्रॉसरी बिल आप देख लें, जहाँ पहले 4,000 के आते थे हम 14,000 पे पहुँच चुके हैं, तो ऐसे एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा। आने वाले वक्त में आप किसको वोट दे रही हैं? मैं पीटीआई को तो बिल्कुल नहीं दूंगी,
बाकी देखते हैं फिर बाकी दो में से किसको देना है। अच्छा सयाम, आप मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? वैसे तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, इस वक्त पाकिस्तान कई ऐसे मसाइल में गिरा हुआ है, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि इन सब मसाइल की ये कि मतलब एक ही जड़ है, वो है इग्नोरेंस, जहालत। जब तक मुल्क में जहालत नहीं ख़त्म होगी ना, तब तक उस वक्त मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। तो ये जहालत को हम किस तरह बदल सकते हैं? जहालत का ये है कि क्योंकि अब जहालत का मतलब ये नहीं है कि जो BS कर रहा है या MS कर रहा है वो जहालत से आ रही है, मतलब ये कि वो भी जहालत का हिस्सा है। जहालत का हिस्सा क्यों है? क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो हमें बताए नहीं जाते। हमें बेसिकली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये सारा रट्टा बेस्ड है, तो एक एक बंदे को जो है ना क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। अच्छा, तो आपके नज़दीक फिर इस इशू का हल क्या है? मतलब इसका ये कि क्रिटिकल एनालिसिस हमारे एजुकेशन सिस्टम को चाहिए कि वो एक एजुकेशन एक्टिविटीज़ से अलग हो के जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस होना चाहिए। और दूसरा, ये जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है और जो करंट अफेयर चल रहे हैं, मतलब जो जितने भी ये इश्यूज़ वगैरह हो रहे हैं, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को लिटरेट किया जाए। तो कौन करेगा ये सारे इश्यूज़? ये एज ए नेशन हम सब का फ़र्ज बनता है, जो जिसको जिसके जितनी भी मतलब जिसके पास जितना भी प्रूफ है वो उसे आवाम के सामने लाए, इन मतलब एक ट्रैक में ना उसे बढ़ा प्ले अप करे ना ही प्ले डाउन करे। मेरे नज़दीक बहुत सिंपल सा मसला है, अदालतें कानून के मुताबिक फ़ैसला करती हैं। अदालतें कानून के मुताबिक फ़ैसला ना करें, अदालतें अदल के साथ फ़ैसला करें, इंसाफ के साथ फ़ैसला करें। इसी तरह इस्लामिक प्रिंसिपल्स यहाँ पर इम्पोज़ करें, चोर के हाथ काटे जाएं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो इस्लामी निज़ाम को यहाँ पर राइज किया जाए, ना कि हम उस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें। आपके नज़दीक ये जो सारे असूल, ये जो कवानीन है, ये जो अदल की आप बात करें, ये कौन अब राइज कर सकता है? इसके लिए किस हुक्मरान को आने की ज़रूरत है फ्यूचर में? हुक्मरान देखे, मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी अभी तक आए हैं ये सारे लोटे हैं, क्योंकि 27 साल से हमारा जो निज़ाम संभाल रहे हैं वो सब एक ही, वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ उनकी पार्टीज चेंज हो रही है, निज़ाम वही चला रहे हैं। नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ कि हम जैसे यंग ब्लड को मौका मिलना चाहिए, वो आए इख्तदार के अंदर, क्योंकि इन्होंने तो जागीरदाराना निज़ाम ने और इन सब ने खून चूस लिया आवाम का। और अभी को, अभी, 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 अभी कोई यंग ब्लड नहीं है, अभी अभी यंग ब्लड नहीं है। कहाँ पर है यंग ब्लड? आप आना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आना चाहूँगा और मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह कैंपेन, मैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू करूँगा, और मैं पूरी यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें। ये आपके साथ मजाक कर रहे हैं, ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल को दाव पर लगा रहे हैं। और आप सब यंग ब्लड हैं, हम इस कौम का मुस्तकबिल है, आप सबको आगे बढ़ना होगा इस कौम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस्लाम की बेहतरी के लिए। 2023 के इलेक्शन में फिर इसका मतलब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं 2023, तब तक अगर मेरी एज इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 18 हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन भी शर्त है, मेरी ग्रेजुएशन मैं अभी सोच रहा हूँ हो जाएगी, तो इंशाल्लाह सोशल मीडिया अल्लाह ताला साथ देने वाले, अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो फिर ऑब्वियसली इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आऊँगा इंशाल्लाह। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद है, उनसे भी जानते हैं, आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू? मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है करप्शन का है, उसके बाद हमारी इधर नौजवान नस्ल को आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जो पुराने लोग हैं वही सिफारिशों के ज़रिए एक दूसरे को लगवाई जाते हैं, जबकि दूसरी जो नौजवान नस्ल है वो इतनी मेहनत भी करती है लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। आपके नज़दीक भी कोई पाकिस्तान में ऐसा हुक्मरान है जो बिल्कुल मेरिट के ऊपर और सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में, अभी इमरान खान करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, क्या आपको लगता है वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान ने जितनी बातें की थी उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ठीक है करप्शन ये सब कुछ ठीक है जो काम करते हैं, लेकिन जो पिछली हुकूमतें थी मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ किया था, लेकिन अभी तक इन्होंने जितना कहा था कि इतनी नौकरियां मिलेंगे, इतने घर बनाए जाएंगे, ये सब कुछ किया जाएगा, अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं। आने वाले वक्त में आप फिर किसको इलेक्शन में वोट दे रहे हैं? आने वाले वक्त में मैं तो नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं तो उसी को दूंगा। तो क्या नून लीग ने करप्शन नहीं की? करप्शन सब करते हैं, लेकिन उन्होंने काम भी तो किया ना, आज उन्होंने इतने पुल्स बनाए, इतनी सड़कें बनाई हैं जिसकी वजह से हम इतनी जल्दी इतनी जगह पर अपने मुकाम। मतलब आप उस नजरिए के हामी है, खाता भी है तो लगाता भी है। जो खाता लगा मतलब जो काम करेगा हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए जो बेहतरी की तरफ जाए, ये नहीं है कि आप एक के पीछे लग गए तो आप बस उसी को फॉलो करते जाओ, बेशक वो गलत चीज कर। जब इंसान को तीर लगता है ना तब नहीं ज्यादा तकलीफ होती, जब तीर निकाला जाता है ना तब ज्यादा तकलीफ होती है। और पिछले 27 सालों से या पिछले जितने भी 2-3 अदवारे हुकूमत है, 2 खानदानों ने हमारे मुल्क को तीरों के साथ छलनी किया, अब वो तीर निकालने की कोशिश जारी है जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम एक अच्छे मुआशरे में जी सके जिससे वो तकलीफ से हम निकल सकें और फिर हम आने वाला हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो?
मुस्तकबिल अच्छा यही होगा ना, आप लोगों को मतलब अच्छी तरफ लेके जाओगे। आप बस सिर्फ कहते हो, इंसान को बातें उतनी करनी चाहिए जितनी आप पूरी कर सको। आप बातें इतनी पहले कर लो कि बाद में वो आपसे पूरी ना हो, बातें उतनी करो जितनी आप पूरी कर सको। आपने कहा था इतना कुछ होगा, ये होगा, नौकरियां दी जाएंगी, किसको दी हैं, कहां पर दी हैं, इतनी बातें की कहां पर हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा। अमल दरामद करना चाहिए बातों पर। आने वाले वक्त में फिर आप किसी को वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे? मैं नून लीग का सपोर्टर हूं, मैं उसको दूंगा। मैं एक बात कहूंगा कि मैं वोट उसको दूंगा जो अच्छा काम करेगा, जो अपने वतन के लिए काम करेगा। ये नहीं है ठीक है, ये भी अच्छा काम करे, मैं इनको भी वोट दूंगा। क्या वजाहिद इकबाल, आपके नजदीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं पाकिस्तान के इश्यूज को तो नहीं जानता, लेकिन जो मेरी लाइफ में इश्यूज है मैं वही डिस्कस करूंगा। आपकी लाइफ में क्या इशू है? तो दो इश्यूज सबसे बड़े अभी मैं फेस कर रहा हूँ। एक तो ये है कि अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में जिस तरह हॉस्टल की कमी है, पहले सबको मिलता था, इस दफ़ा सिर्फ कह रहे हैं कि 5 बच्चों को मिलेगा। तो एक तो ये इशू जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए। दूसरा इशू सबका कॉमन इशू है, मेरा भी है, शादी नहीं हो रही मेरी। तो मैं आपके चैनल से इस तरह घर वालों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी शादी कर दें, बहुत देर हो चुकी है। मेरे साथ वालों के जो मेरे क्लासमेट थे ना, उनके बच्चे भी हो चुके हैं और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। कोई सोचे इस बारे में, मुझ पर रहम करें। अच्छा शबीर भाई, मुझे ये बताइएगा आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरे नज़दीक पाकिस्तान का जो सबसे इस वक्त बड़ा मसला है वो एजुकेशन सिस्टम है, और एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट यूनियन के ऊपर बैन है। क्योंकि ये वो नर्सरी थी जो किसी ज़माने में यहाँ से जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चलाने के लिए पॉलिटिशियंस निकले थे, तब उस नर्सरी पर पाबंदी लगी हुई है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की पॉलिटिकली जो है वो नर्सिंग नहीं होती, और इधर उधर शतर बेमहार के तौर पर जो है पॉलिटिक्स की इजाज़त दी गई है, लेकिन वो जो यूनियन होती थी उसके अंदर इलेक्शन होते थे, कंपेन होते थी। लेकिन यूनियंस के मुतालिक तो ये कहा जाता है लड़ाई फसाद ये वो माहौल को ख़राब करते हैं। नहीं नहीं, अगर आप 19 जिस तरह ज़ियाउलहक साहब ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई और उससे पहले का आप दौर देख लें और अभी तक दौर लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो रिसर्च ये बताती हैं कि उस वक्त लड़ाइयाँ कम होती थी, फसाद कम होता था, उसके बाद ज़्यादा हुई है। असल में यूनियन के अंदर हुकूमत की सरपरस्ती उनको हासिल होती थी, एक कानून होता था और उसके मुताबिक वो सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन अब वो नहीं है। हर चीज़ का अपना कानून है, हर कोई अलग अलग जो चीज़ों के स्टूडेंट्स की जो राइट्स हैं, स्टूडेंट्स के जो डिमांड है उसको डील कर रहा है, तो उससे वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। नाज़रीन, आपने यहाँ पे मौजूद तलबा से जाना कि पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं जिनमें कोई करप्शन का रोना रोता है तो कोई तलीम के हवाले से, कोई जहालत की बात कहता है तो कोई मोबाइल फ़ोन को बड़ा इशू करार देता है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई जगह पे। अपने मेज़बान मेहरान नासर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।